वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साई बाबा बनी बाबा बगल सनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रियजनों, आज बहुतों के पास धन है, शोहरत है, नेम है, फेम है, परंतु मन की शांति नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सा धन कमाते हैं लेकिन फिर भी जीवन में अशांति को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास प्रसिद्धि है लेकिन फिर भी वे लोग अपने परिवार में सुखी नहीं है। शोहरत है लेकिन निराश हैं और कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। बहुतों ने घर बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े आशियाने हैं उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने वे लोग बीमार पड़े हुए हैं और कई लोग तो उसमें रह भी नहीं पाते हैं। हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कि इंसान हैबिचुअली सिक है। हमारी यह दुनिया प्यारे भाइयों और बहनों अधिकांशता दुख में ही दिखती है। हमारे परिवार अधिकांशता टूटे हुए हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक धनी युवक यीशु के पास आया और कहने लगा कि मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। और यीशु ने उससे कहा कि संहिता में क्या लिखा है, और वो बताता चला गया कि संहिता में क्या लिखा है। तो प्रभु ने उससे कहा कि तुम उनका पालन करो, और उसने कहा कि मैं तो बचपन से इनका पालन करते आया हूं। यीशु ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, जा अपनी धन संपत्ति बेच दे और गरीबों में बांट दे और तब आकर मेरा अनुसरण करना। पर बाइबल कहती है कि वो उदास होकर चला गया, निराश होकर चला गया, क्योंकि वह धनी था। उसका मन धन पे आश्रित था। उसके जीवन में जेनरोसिटी नहीं थी, उदारता नहीं थी। उसके जीवन में शेयरिंग की कमी थी। वो दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। वो अकेले ही उसका उपभोग करना चाहता था। बांटने से हमारी खुशी दुगनी होती है। चैरिटी करने से, उदार बनने से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। ये पुण्य के कार्य हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके बदौलत इंसान के जीवन में ईश्वर की आशीष उतरती है और वो खुश रहता है। ये कार्य उसे आंतरिक शांति और आंतरिक खुशी प्रदान करते हैं। आज इंसान ईश्वर के पास जाता है मांगने के लिए, अपने निवेदन रखने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, अच्छी धन संपत्ति उसके घर में हो। सुबह को जब वो दुकान लगाता है या अपना कोई भी कार्य करता है तो यही प्रार्थना करता है कि आज उसकी मजदूरी पर आशीष मिले और वो अच्छा धन कमा सके। लेकिन कुछ लोग
जब वापस जाते हैं तो उदास होकर जाते हैं, और कुछ लोग प्यारे भाइयों और बहनों हमें खुश नजर आते हैं। हम कौन सी श्रेणी में हैं अपने आप से पूछ कर देखें। जब यीशु इस धनी युवक से कहता है हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराए धन का लालच मत करो, पराई स्त्री की कामना न करो, वो कहता है कि मैं इन सारी बातों का पालन करते आया हूं, बचपन से मैंने इन नियमों को क्या किया है, पालन किया है। और जब यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि आप किसी वक्ता से ये कहें कि आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था लेकिन आपकी टोन ऑफ वॉइस अच्छी नहीं थी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं था, तो उसको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही धनी युवक को भी लगा। प्रियजनों, आज इन बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी जिंदगी की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, हम कहाँ हैं, कहाँ चल रहे हैं। हम नित्य प्रतिदिन पवित्र संस्कार के सामने उपस्थित होकर उसकी आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, महिमा गाते हैं, स्तुति करते हैं, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वह परमेश्वर की हजूरी में आए, बैठे, धन्यवाद करें, बोले आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। बाइबल हमें बताती है मत्ती के सुसमाचार में, प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 और उससे आगे, अध्याय 4 पद संख्या 17 और उससे आगे, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें आमंत्रित करती है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 में कहता है कि आँख शरीर का दीपक है, यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार है। और यही कारण है कि अशांति हमारे जीवन में आ जाती है, शांति चली जाती है, सुख गायब हो जाता है, इंसान दुख में रहने लगता है, क्योंकि उसकी आँख जो शरीर का दीपक है वो बीमार पड़ जाती है। और बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है कि यदि तुम्हारी आँख बीमार हो गई तो तुम्हारा पूरा शरीर बीमार है, और इससे ज्यादा बड़ा घोर अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होगा, और आप उन कष्टों को भी सुख समझकर आप उन्हें ग्रहण करोगे। क्योंकि हम उसके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में अशांति रहती है। हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं कि हम खुश नहीं रह पाते हैं, घर में क्रोध, ईर्ष्या, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाना। तो बाइबल कहती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 और उससे आगे, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था, पानी वर्षा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसका विश्वास मजबूत था, उसका भरोसा परमेश्वर में दृढ़ था, इसलिए वो इन दुखों और कष्टों से नहीं घबराता है, उसका हौसला बुलंद रहता है, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। और परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे क्या करता है, ब्लेस करता है। इसलिए एक सुंदर घटना हम बाइबल में पढ़ते मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 27 में कि ईसा वहां से आगे बढ़े और दो अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए,
देखिए इनका विश्वास, अंधे हैं लेकिन इनका विश्वास देखिए, और ईसा के पीछे जाते हैं कि ये, उन्हें विश्वास था कि ईसा उन्हें चंगा कर सकता है। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही हो जाए। जब आप आराधना में बैठते हैं, जब आप शाम की प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं, तो आप विश्वास करना कि इस पारिवारिक प्रार्थना के माध्यम से मेरे शरीर का, मेरे परिवार का बंधन टूटेगा, और जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा हो जाएगा। ये निरे शब्द नहीं है जो बोले जा रहे हैं, ये प्रभु आपसे बातें करता है, इस सिंहासन से वो आपके साथ बातें करता है। तो जब भी हम ईश्वर के भवन में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, जब उसके नाम पर हम एकत्र होते हैं और वचन जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो विश्वास करना जैसे अंधों ने किया और कहा कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं, और ईसा ने उनसे कहा जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। आज आप में से जो विश्वास करेंगे, प्रभु कहता है वैसा ही होगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि मैं इस निराशा की दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया हूं, तो आप आजाद होंगे। यदि आप विश्वास करेंगे कि ये मैं बेरोजगारी के दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया हूं, तो आप होंगे। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरी आर्थिक तंगी का बंधन टूट गया है, तो ये टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सब चीजें मुहैया कराता है और वो उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करता है। इसलिए उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई जानने न पाए, परंतु घर से निकलने पर उन्होंने पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। दूसरा उदाहरण, एक गूंगा अपदूतग्रस्त, वो बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे कि इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीजी कहते थे कि ये नरक दूतों की सहायता से अपदूतों को निकालता है। ये उन पर अभियोग लगाते थे। असंख्य बीमारियों से ग्रसित लोग ईसा के पास लाए जाते थे और वो चंगे हो जाते थे। इसलिए जब आप इस आराधना में भाग लेते हैं या आप गिरजाघर में जाकर वचन सुनते हैं या आप संगति में रहते हैं, आराधना करते हैं, छुटकारे की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इनर हीलिंग रिट्रीट्स में भाग लेते हैं, तो विश्वास के साथ वहां पर जाना, उन अंधों के जैसे, उस अपदूत ग्रस्त के जैसे जो बोल नहीं सकता था, और परमेश्वर हमें आजाद करेगा। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इन बातों को आज मसीहों को, विश्वासियों को और प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल कहती है इन शब्दों पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अब कुछ वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है और वो ये है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 33 में, कि आप लोग धोखे में ना रहें, आप लोग धोखे में ना रहें, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। होश में आए जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ दें और आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आप उदार हृदय बने रहेंगे, आप पुण्य कर्मों पर विश्वास करेंगे और सेवा में लगे रहेंगे और आपको आंतरिक शांति, मन की शांति प्रभु देता रहेगा। अगला वचन है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13, फर्स्ट लेटर ऑफ कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, कि आप लोगों को अभी तक ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है कि जो मनुष्यों की शक्ति से या आपकी शक्ति से बाहर है या परे है।
ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह आप लोगों को ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वो प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। बोलिए आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे दृढ़ करेंगे और मुझे विश्वास में मजबूत करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 2:14 में बाइबल हमें बताती है कि लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो। हमारी इस पवित्र आराधना का विशेष मकसद है कि प्रभु से बातें करना, प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, और संध्या के समय ये 2 घंटे आपका घर महिमा से भर जाए, आप में से बहुत सारे लोगों को हिम्मत और सांत्वना मिले और परमेश्वर का वचन आप लोग सुने, क्योंकि ये वचन आपको चंगा करता है। इन बातों को आपको लगातार याद दिलाया जाता है ताकि ये बातें जिन पर आपका जीवन निर्भर है, ये आपको एक प्रभु भक्त और एक आदर्श व्यक्ति बनने की कृपा में आगे बढ़ाता जाए। हम प्रभु के नजदीक आ सके, हम प्रभु की हजूरी में रह सके, उसके आशीर्वाद को हम ग्रहण करते जाएं। और उससे भी ज्यादा कलीसिया इसीलिए बुलाई गई है कि हम प्रभु की स्तुति करने वाले बन सके। और यही कारण है कि जब आप इस आराधना में परिवार के साथ बैठते हैं तो प्रभु आपको स्पर्श करता है, चंगाई देता है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि फादर जी, शाम की आराधना में हमें बहुत हौसला मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है, हम बड़े कष्ट में रहते हैं लेकिन आराधना में बैठने से मन बहुत हल्का हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है और वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उसमें जीवन है। और बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि मेरी वाणी, प्रभु कहता है, जो चाहती है वो करके मेरे पास लौटती है, अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास वापस नहीं आती। तो इसलिए तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2:14 में लिखा है कि लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में आप लोग वाद विवाद ना करें, उलझनों में ना पड़े, बहकावे में ना आए, आप लोग पवित्र आत्मा से संचालित रहें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें, विनम्रता, विश्वास और शांति की साधना करें, परिवार में प्रभु को प्रथम स्थान दें और नित्य प्रतिदिन उसके वचन को अपने जीवन का दीपक समझकर उसे अपने सामने रखें। प्यारे भाई और बहनों, और आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा और प्रभु आपकी रक्षा करेगा। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि लोगों के पास बहुत कुछ है, पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन घर है, बीमार है, सो नहीं पाते हैं, निराश हैं, नींद नहीं आती है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसी संपत्ति से क्या लाभ है, ऐसे आशियाने से क्या लाभ है कि जिस आशियाने में आप रहते हैं उसमें आपको नींद ना आए, ऐसी नौकरी जिसमें आपका मन शांत ना हो और आप क्रोध में रहें, ईर्ष्या करते रहें, ऐसे कामों से क्या फायदा है। इसलिए बाइबल कहती है, इससे तुम्हें क्या लाभ यदि तुम सारा संसार प्राप्त कर लो लेकिन अपनी आत्मा गवा दो। आत्मा गवाने का मतलब है अपना सुख चैन अंतर मन सब कुछ नष्ट हो जाए, उसको तुम गवा दो तो इससे क्या लाभ है कि तुमने संसार की सारी धन दौलत संपत्ति हर कुछ चीज हासिल कर लिया लेकिन तुमने अपनी आत्मा को गंवा दिया है। तो बाइबल कहती है कि आप लोग लौकिक वाद विवाद से दूर रहें, लौकिक व्यर्थ और बकवाद से दूर रहें। जो लोग इसमें लगे रहते हैं वो धर्म के मार्ग से दूर भटकेंगे, उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह लोगों में फैल जाएगा। और ऐसे लोगों में संत पौलुस 2 लोगों का जिक्र करता है, हुमेनियुस और फिलेतुस। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2:16 में हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, तिमोथी का पत्र अध्याय
तीन पद संख्या दो में हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों का अधर्म कैसा होगा। अंतिम दिनों का अधर्म आप जान रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा और तमाम भूकंप होंगे, हर प्रकार की हिंसा, हत्या, चोरी, लूट, भ्रष्टाचार हर तरीके से फैलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार कोई आज से नहीं, बाइबल कहती है उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने देखा कि ये मनुष्य जिन्हें मैंने बनाया था ये भ्रष्टाचार से जकड़े गए हैं और इनमें ये भ्रष्टाचार फैल गया है, परमेश्वर को बड़ा दुख लगा। तो ये तब से ही चला आ रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान की प्रवृत्ति बचपन से बुराई की ओर रहती है। तो संत पौलुस समझाने का प्रयास करता है, शांति चाहते हो तो व्यर्थ की बकवाद से दूर रहो, लौकिक वाद विवाद से और बकवाद से दूर रहो, क्योंकि जो इन बातों में लगे रहते हैं वो अपने धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, सच्चाई के मार्ग से भटक जाएंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। और ऐसे में दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया, जैसा मैंने कहा हुमानियस और फिलेतुस के विषय में। तो यदि आपका प्यारे भाइयों और बहनों शत्रु ईर्ष्या से भरा हुआ है, कटु से भरा हुआ है, तो आप उसे क्षमा करने की कोशिश करें। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यह चाहता है कि आपके जीवन में ऐसा हो, क्योंकि आप लोग चुने हुए राजकीय याजक वंश है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9, क्यों ये सब बातें मसीहों को, विश्वासियों को और जो प्रभु के अनुयायी हैं और अन्य लोग जो इन वचनों को सुनते हैं, क्यों ये यादें दिलाई जाती हैं, क्यों इनकी चर्चा की जाती है? क्योंकि बाइबल कहता आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के द्वारा, इस वचन के मेरे जीवन में, मेरे जीवन 100 गुना फल आ जाए, 100 गुना फल आ जाए। आमेन, आमेन। तो आप उनके महान कामों का बखान करें, बाइबल कहती है, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी महती ज्योति के प्रकाश में लाया है, उस प्रभु का गुणगान करने की आवश्यकता है, उस प्रभु की महिमा करने की आवश्यकता है। इसलिए आपके परिवार में नित्य प्रतिदिन संध्या या सवेरे जब भी आपको मौका मिलता है, नियमित रूप से बैठकर परिवार के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि हमारी सांसें हमारी नहीं है, हमारी सांसें हमें दी गई अमानत है। जिस दिन आदेश आ गया उस दिन वो हमसे ले ली जाएंगी और प्राण पखेरु हो जाएंगे, शरीर यूं ही धरती पर पड़ा रहेगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों जब तक ईश्वर के पास ना पहुंच जाए वो तब तक विश्राम नहीं प्राप्त करती, वो जहां से आई है उसे वहां पर लौटना। इसलिए संत पौलुस कहता है अलौकिक ज्योति में आप लोगों को बुला लाया है, इसलिए तुम्हारा जीना घबराए, वह तुमको कभी भी त्यागेगा नहीं, चिंता ना करें, तुम्हारी सुधि वो लेता है, तुम्हारे आगे आगे चलता है, तुम्हारी रक्षा करता है, ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ता है, क्योंकि उसने आपको चुना और अपनाया है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन तमाम वरदानों के लिए, मैं इन तमाम वरदानों के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता, प्राप्त सभी वरदानों के लिए, प्राप्त सभी वरदानों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वास प्रभु हमें दिलाना चाहता है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में, कि मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर क्या किया है, अंकित किया है, मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। दुनिया की एकमात्र किताब पवित्र बाइबल इस बात का जिक्र करती है कि आपको परमेश्वर ने अपनी हथेली पर अंकित किया है। इसका प्रमाण यह है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ की रेखा दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती, और यह कारीगरी ईश्वर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। दुनिया के सैकड़ों करोड़ों
लोगों की संख्या में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी हाथ की रेखाएं दूसरे व्यक्ति की रेखाओं से मिलती हो। और बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में कि मैंने तुझे अपनी हथेली पर अंकित किया, तुम्हारी चार दीवारी कहता निरंतर मेरी आंखों के सामने रहती है, तुम्हारे घर की चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने रहती है। और गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाकर बाइबल कहती है वो आपको और मुझे ढक लेता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे अपने पंखों की छाया में, अपने पंखों की छाया में ढक लेते हैं, ढक लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तेरे प्रेम की छाया सदा मेरे जीवन पर छाई रहे, सदा मेरे परिवार पर बनी रहे और मैं यूं ही बढ़ता जाऊं। हम उस बात को अंगीकार करें इस गीत के माध्यम से। और बाइबल हमें याद दिलाती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 में पद संख्या 17, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 54 वर्स 17 कि हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है अब वो सफल ना होगा, इसलिए आप घबराना नहीं। कभी कभी कष्ट हमारे जीवन में आता, परेशानी आती है, यूं समझ लीजिए कि आप एक घाटी से जब नीचे उतरते हैं तो वैली से होकर आपको जाना पड़ता है और फिर से जब आप दूसरी घाटी की चोटी पर जाते हैं तो फिर से हमें होराइजन्स दिखने लगते हैं। वो समय हमारी जिंदगी का एक ऐसा समय होता है जिसे हम ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। हर व्यक्ति एक ट्रांजिशन पीरियड से होकर गुजरता है, ये जिंदगी की हकीकत है। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आप मार्केट को देखें तो उसमें भी इन्फ्लेशन चलता है। जिंदगी की हकीकत भी ऐसी ही है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते और इनका आना अनिवार्य है, अदरवाइज हम लोग अपने जिंदगी की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे और हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम अपनी मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करेंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें कहता है कि हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है अब वो सफल नहीं होगा। आज की रात्रि परमेश्वर आपका उद्धार करने वाला है। आप में से जिनको ये भरोसा नहीं है कि प्रभु ऐसा कर सकता, आज विश्वास करना और परख कर देखना कि परमेश्वर कितना भला है। ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए क्योंकि वो अपने वादों का पक्का है और कभी भी उनसे पीछे नहीं हटता है। कहता है जब तक मैं अपनी कही बातों को पूरा ना कर दूं मैं तेरे साथ ऐसा ही करता रहूंगा, बुढ़ापे तक तेरे बाल सफेद हो जाने तक, कहता मैं ऐसा करूंगा। हम इस गीत को गाएं और अंगीकार करें कि प्रभु तेरे प्रेम की छाया मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सदा बनी रहे। Thank you.
बारिश करते रहे तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी परस्तिश करते रहे की पुरवा तेरे रहम की पुरवा छाई रहे हम तेरी परस्तिश करते रहे सांत्वना का वचन बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 16 प्रभु कहता है कि मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुख में रखा और तुमको अपनी हाथ की छाया में मैंने छिपाया मैंने आकाश को स्थापित किया और पृथ्वी की नींव डाली सियोन से मैंने कहा कि तुम ही मेरी प्रजा हो और आज आपसे भी यही कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो तुम मेरे बच्चे हो मैंने तुम्हें चुना मैंने तुम्हें पवित्र किया मैंने तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाए मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि तुम मुझे धोखे पे धोखा देते हो तुम क्यों मुझसे दगा करते हो तुम क्यों मुझसे दूर चले जाना चाहते हो ओ मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पास लौट कर आ मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथ की छाया में छिपाया मेरे पुत्र मेरी पुत्री मेरे बच्चे तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा। प्रियजनों यीशु के वो हाथ बढ़ई के हाथ थे और जानते हैं कि बढ़ई के हाथ कारीगरी के हाथ हैं। उसके हाथ में क्या छिपा हुआ है आठ छिपी हुई है वो ऐसी कारीगरी करता है कि एक खराब से खराब लकड़ी के लट्ठे को भी एक चमकती हुई चीज शोकेस में रखने वाली चीज वो बना सकता है। इंसान के साथ भी वो ऐसा ही कर सकता है क्योंकि उसके हाथ कारीगरी के हाथ हैं। उसने इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाया है। उसने अंधों की आंखों को छुआ और उनमें रोशनी आ गई। कोढ़ियों को उसने स्पर्श किया तो प्यारे भाइयों और बहनों चंगे हो गए। उसने नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को छुआ तो उसमें जान आ गई। पतरस की सास को जब वो बुखार से पीड़ित थी उसका हाथ छुआ तो उसका बुखार जाता रहा। जेरुस की बेटी से जो मर चुकी थी उससे कहा तालिथा कुम्मी उठ ओ लड़की मैं तुझसे कहता उठ तो वो उठ बैठी। यीशु के ये हाथ प्यारे भाइयों और बहनों आशीष देने वाले हाथ हैं उद्धार देने वाले हाथ हैं। उन हाथों से जो लहू बह निकला वो मेरे और आपकी शिफा के लिए काफी था मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए काफी था। उसने अपने हाथों में कील ठुकवाए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। अगर हम देखें
तो बचपन से यीशु का लकड़ी के साथ बड़ा अच्छा नाता था। बचपन में वो पिता के साथ बढ़ई का काम करते थे और लकड़ी को रंदा लगाना, काटना, साफ करना, चमकाना और अंत में उसी लकड़ी के ऊपर अपने प्राणों को निछावर कर देना। जिस तरह से एक बढ़ई, प्यारे भाइयों और बहनों, उस खराब लकड़ी के भीतर से भी एक बहुत अच्छी लकड़ी की प्रतिमा बना सकता है, वैसे ही उस क्रूस को प्रभु ने पवित्र कर दिया। जो श्राप का चिन्ह था, अभिशाप का चिन्ह था, जिस पर अपराधियों को लटकाया जाता था, वही क्रूस की लकड़ी आज मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण बन गई। जब हम उसे देखते हैं, कलवरी का नजारा हमारी आंखों के सामने रहता है। उस क्रूस से जो खून की धारा बह निकली थी, वो हमें शुद्ध करती जाती है। इसलिए यीशु के ये हाथ, जो प्यारे भाइयों और बहनों कारीगर के हाथ हैं, वो नया बनाने वाले हाथ हैं, आशीष देने वाले हाथ हैं, संभालने वाले हाथ हैं, उद्धार देने वाले हाथ हैं। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों की छाया में छिपाया है। वो चंगा करने वाले हाथ हैं। जैसा मैंने कहा कि यीशु बढ़ई के घर में पाला पोसा गया। बढ़ई जो चीज़ें बनाता है, उन्हें सजाता है, उन्हें सुधारता है, नई आकृति बनाता, नया डिज़ाइन बनाता है, वैसे ही वो इंसान को भी जो टूटा फूटा है, दुख में है, कष्ट में है, निस्सहाय है, लाचार है, शोषित है, वो उसको क्या कर सकता है? सजा सकता, संवार सकता, बना सकता है, उद्धार दे सकता है। आज इस बात पर विश्वास करना और प्रभु आपके जीवन में शांति देगा। आपको, आप कभी अशांत नहीं रहेंगे जब हम इन वचनों पर भरोसा करेंगे। देखिए, कष्ट और दुख, सुख और दुख, ये जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर आप दुख देखते रहेंगे तो हमें दुख ही नजर आते जाएंगे, लेकिन यदि हम सुख देखना शुरू करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो हमारा हौसला बुलंद रहेगा। क्योंकि इंसान के लिए विश्वास का दृढ़ होना अनिवार्य है। जब हमारा विश्वास दृढ़ रहता है तो हमारा हौसला भी बुलंद रहता है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहें और धार्मिकता का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। विश्वासियों के लिए धार्मिकता के मुकुट तैयार रखे हुए हैं। बाइबल कहती है, वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:10, तुम्हें जो कष्ट भोगना है उससे आप मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा, कुछ समय के लिए जेल में डाल देगा, कैद में डाल देगा। तुम 10 दिनों तक वहां पर पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझे जीवन का मुकुट प्रदान करेंगे। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों का 1 अध्याय 9:24-25 में कि आप अनश्वर मुकुट के लिए प्रयास न करें। आप लोग कभी नाम मुरझाने वाली कृपा को प्राप्त करें और आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार रहेगा। तिमोथी का 2 अध्याय 4:8 में संत पौलुस कहता, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय और विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। पेत्रुस के 1 अध्याय 5:4 में कि महिमा का मुकुट, आनंद का मुकुट आपके लिए रेडी है। और जब ये हमारे लिए तैयार हैं तो हमें मन की शांति, आनंद प्रभु देता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त मैं आप सबको समर्पित करता हूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अपने निवेदन चैट्स में भेज रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं। हो सकता है घर में मम्मी या पापा अपना काम करते करते ये वचन सुन रहे हैं। प्रभु आपके काम को आशीष दें। हो सकता है मम्मी घर में आटा गूंद रही होगी और वचन भी किचन में सुन रही होगी। ये वचन आपको आशीष प्रदान करें, आपके पूरे घर को ब्लेस करें। इस वक्त मैं आप सभी लोगों को समर्पित करता हूँ, जितने भी लोग इस वक्त वेदी के सामने हैं और जो दूर दराज से, देश विदेश से इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे।